हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। हमने देखा कि पंचवर्षीय योजना से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आती है उसमें का लगभग 95% प्रश्न इसी दो पंचवर्षीय योजना से होती है, जो कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना है। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना की मुख्य बातों को। हम सबसे पहले देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना को। यह योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक चली थी। यह परियोजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। आपसे अनेकों बार एग्जाम से प्रश्न पूछा गया होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इस योजना में मुख्य रूप से कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, क्योंकि तुरंत ही देश आज़ाद हुआ था और हमारे देश के पास उतने संसाधन नहीं थे कि हम अपने देश को सही से चला सकें। इसलिए मूलभूत सुविधाओं के साथ हमारी सरकार के द्वारा सबसे पहली प्राथमिकता के रूप में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं आगे इसी क्रम में, इस योजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलज नदी पर, उसके बाद ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी को स्थापित किया गया था। यानी कि इस परियोजना में भाखड़ा नांगल परियोजना ब्यास परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना को स्थापित किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, तो इसमें जो विकास दर था वह 2.1% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा विकास जो हुआ था, जो कि 3.6% की गति से देश को विकास दर हासिल हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि इसी योजना के अंतर्गत 1952 में शुरू किया गया था। तो आपको यहाँ से मुख्य मुख्य बातों को ध्यान रखना है, जो कि है इसका मॉडल जो कि हेराल्ड डोमर परियोजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। उसके बाद इसका स्टार्टिंग देखना है कि स्टार्ट कब हुआ था, तो यह 1951 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि इस योजना में मुख्य रूप से कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। अब हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। दूसरी पंचवर्षीय योजना की को पहली पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के साथ ही शुरू किया गया था। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चली थी, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच चली थी। यह पंचवर्षीय योजना थी, इसलिए इसका कालक्रम 5 वर्ष का होता था। वहीं हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो यह जो परियोजना थी वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। हमने देख चुके हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो था वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। वहीं हम बात करते हैं कि इसमें विकास दर का जो लक्ष्य था वह 4.5% निर्धारित किया गया था, 4.1% निर्धारित किया गया था, लेकिन प्राप्त हुआ था 4.5%। वहीं इसमें भारी उद्योग और खनिज को मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया था, जबकि पहले पंचवर्षीय योजना में हमने देखा था कि कृषि को मुख्य प्राथमिकता के अंतर्गत रखा गया था। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत भारी उद्योग में दुर्गापुर भिलाई और रावलपुरा में क्रमशः ब्रिटेन रूस और जर्मनी के सहयोग से स्टील प्लांट को स्थापित किया गया था। तो आप यहां से मुख्य बातों को ध्यान में रख सकते हैं कि सब जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत 1951 में हुई थी, वहीं पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर अधिक फोकस करना था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। तो इसी के साथ हम इसी
हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हम यह पूर्ण विश्वास है कि यदि आपसे पंचवर्षीय योजना से संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं तो उसमें से 90% जो प्रश्न आएंगे वह इसी दोनों योजना से पूछे जाएंगे और आपका कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।